एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूँ पूजा लुथरा. दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्किन वाइटनिंग टैन रिमूवल पेडिक्योर. ये पेडिक्योर अगर आप घर पर करते हो ना तो पार्लर का पेडिक्योर इसके सामने फेल है. आपके पैरों की रंगत को निखारेगा, टैन रिमूव करेगा, साथ ही साथ अगर एड़ियाँ फटी हुई हैं, आपकी डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो रखी है पैरों पर, तो वो भी दूर करेगा. वेल, मैंने अभी अभी ये पेडिक्योर किया है एंड मेरे पैरों की हालत आप देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो गई है एंड गोरे हो गए हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ बिफ़ोर पिक्चर्स. ये है बिफ़ोर पिक्चर्स. एक्चुअली अपने पैरों को मैं इतना गंदा कभी नहीं रखती हूँ, बट क्या हुआ कि 3-4 दिन से मार्केट जा रही थी कंटिन्यूसली एंड खुली चप्पल पहन करके जा रही थी, जिसकी वजह से पैरों में खूब सारा भयंकर वाला टैन हो गया है एंड मेरे पैरों के नीचे की जो स्किन है ना वो भी ख़राब हो गई है. आप देखो कितनी सारी डेड स्किन जमा हो गई है. तो सोचा कि आज इसको ही क्लीन किया जाए और ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए. आई एम श्योर कि आप सब लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी. समर्स में जब आप बाहर जाते हैं तो पैरों की हालत बद से बदतर हो जाती है. फेस पर तो हम बहुत सारी क्रीम्स लगा लेते हैं लेकिन पैरों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और वो देखने में बुरे लगते हैं. अगर गंदे हैं पैर, टैन हो रखा है, तो महंगी से महंगी चप्पल आप पहन लो, आपके पैरों पर वो जचेगी नहीं, सुंदर नहीं लगेंगे पैर. लेकिन अगर आपके पैर सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, गोरे हैं, टैन फ्री हैं, तो चाहे सस्ती सी चप्पल भी डालोगे ना, सस्ते सी बैली या फुटवेयर भी डालोगे तो भी सुंदर लगेंगे पैर. तो आज इन्हीं पैरों को चमकाएंगे आपके सामने और बिल्कुल लाइव रिजल्ट्स में आपको दिखाऊंगी. तो पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा वीडियो को एंड आप भी ये वीडियो देखते ही ज़रूर घर पर पेडिक्योर कीजिएगा. आपके पैरों की रंगत बदल जाएगी, टैन सारा रिमूव हो जाएगा. तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है. जल्दी से थम्स अप दिखाइए, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. पहले तो नेल पेंट रिमूव करते हैं. तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर बार का नेल पेंट रिमूवर. मैंने नेल्स के पेंट को अच्छे से रिमूव कर लिया है एंड नाउ वी विल कट द नेल्स. नेल्स भी बहुत गंदे हो रखे हैं मेरे और बढ़ चुके हैं बहुत बुरी तरह से. तो नेल कटर से मैं नेल्स कट कर रही हूँ एंड देन फाइलर की हेल्प से इन्हें फाइल कर लेंगे. अलग से फाइलर है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो जो नेल कटर के पीछे होता है उसी को यूज़ कर सकते हो आप. तो इस तरीके से नेल्स को आपने फाइल कर लेना है. अब आप क्या करेंगे नेल्स पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेड स्किन जमा हो जाती है और नेल पेंट लगा होने की वजह से स्किन जो है नेल्स की बहुत ही रफ़ हो जाती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेल्स के ऊपर क्रीम लगा देंगे. कोई भी क्रीम जो घर पर पड़ी हो वो आप लगा लो. मैं यहाँ पर निविया क्रीम लगा रही हूँ नेल्स के ऊपर और स्पेशली फिंगर्स के ऊपर. ये क्रीम लगाने से क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेल्स के ऊपर अगर डेड स्किन जमा हुई है तो वो उतारनी आसान हो जाएगी, नेल्स में शाइन भी आ जाएगी. तो ये हमने क्रीम लगा ली है. अब आपको अपने फीट को सोक करना है गर्म पानी में. गर्म पानी में क्या क्या चीज़ें मिलानी है वो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पैरों के नीचे की डेड स्किन को रिमूव करने में, साथ ही साथ टैन रिमूवल करने में. तो सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे सी सॉल्ट. एक चम्मच, बड़ा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ. सी सॉल्ट नहीं है कोई बात नहीं, नॉर्मल जो वाइट सॉल्ट आप घर में यूज़ करते हैं खाने वाला वो यूज़ कर लीजिएगा. सेकंड चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है एक नींबू का रस. नींबू का रस आपने अच्छे से निचोड़ लेना है. और थर्ड चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो है एक चम्मच बेकिंग सोडा. और उसके बाद आप ऐड कर लीजिए 2 चम्मच शैम्पू. कोई भी शैम्पू जो आपके घर में हो आप यूज़ करिए. और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रोज़ पेटल्स. वेल, स्पा वाला टच देने के लिए, थोड़ा सा लग्जरी फील देने के लिए मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ. अगर आपके पास नहीं है रोज़ पेटल्स तो आप स्किप कर सकते हैं. तो अब आपको ये पैरों को इनमें डुबो देना है पानी में. तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पैरों को डुबोइए. इससे आपकी जो डेड स्किन है पैरों के नीचे की वो सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे उसे निकालना आसान हो जाएगा. और दूसरी चीज़ क्या होगी, इससे टैन रिमूव होगा. नींबू, बेकिंग सोडा जो है वो टैन रिमूवल करते हैं और साथ साथ ही साथ इसमें जो हमने नमक डाला है वो पैरों के बैक्टीरिया को पूरी तरह से साफ़ कर देता है, दूर कर देता है और शैम्पू भी क्लीनिंग करेगा. तो ये 5 से 7 मिनट डुबो लिए थे पैर मैंने, अब बाहर निकाल लिए हैं. अब हम करेंगे प्यूमिस स्टोन और ब्रश के साथ अपने पैरों की सफाई, डेड स्किन को रिमूव करेंगे. वेल, ये जो ब्रश है छोटा सा, इससे मैं नेल साफ़ करूँगी अपने. और क्योंकि क्रीम लगाई हुई थी क्यूटिकल सॉफ्ट हो गए होंगे,
तो बहुत ही अच्छे से नेल्स एकदम क्लीन हो जाएंगे इससे। तो इस तरह से ब्रश से नेल्स की सफाई कर ली। अगर इस तरह का ब्रश नहीं है तो पुराना टूथब्रश ले लीजिए, उससे नेल्स को साफ़ कर लीजिएगा। और प्यूमिस स्टोन जो कि दूसरी साइड पर है उससे मैं हील्स को क्लीन करूँगी जहाँ डेड स्किन बुरी तरह से जमी पड़ी है। तो प्यूमिस स्टोन इस तरह से चलाएँगे क्योंकि डेड स्किन सॉफ्ट हो गई है तो आसानी से निकल जाएगी और आपकी एड़ियाँ जो हैं वो नीचे से एकदम क्लीन हो जाएंगी। तो ये इस प्रोसेस के बाद आपको स्क्रबिंग करनी है, एक्सफोलिएटिंग करनी है ताकि जो डेड स्किन से आपकी स्किन रफ हो गई थी वो सॉफ्ट हो सके। तो एक्सफोलिएटिंग स्क्रब आप घर में बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और पैरों की रंगत को निखारने में सुपर स्क्रब है ये। मतलब अगर हफ्ते में एक बार खाली ये स्क्रब भी कर लोगे ना पैरों पर तो भी आपके पैरों की टैनिंग तो रिमूव हो ही जाएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, कॉफ़ी लेनी है, एक चम्मच कॉफ़ी लीजिए, उसमें एक चम्मच चीनी मिलाइए और आधा नींबू निचोड़ लीजिए और इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, मिक्सचर बना लीजिए और इन तीनों चीज़ों के मिक्सचर से आपने अपने पैरों को स्क्रब करना है। नींबू के छिलके से ही मैं स्क्रब कर रही हूँ ताकि इफेक्ट और भी अच्छा आ सके। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट स्क्रब करना है बस एंड आपके पैरों की सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। आई मस्ट टेल यू दिस स्क्रब इज़ सुपर्ब, आपके पेडिक्योर को एक फिनिशिंग टच देता है ये स्क्रब और आपके पैरों की रंगत को निखार देता है, सुपर ब्राइटनिंग एंड ब्लीचिंग इफेक्ट आता है इससे। तो इससे 2-3 मिनट स्क्रब करना है, उसके बाद आपने पैरों को धो लेना है पानी से। और ये देखिए मैंने पैरों को धो लिया है और पैरों की जो टैन थी पूरी रिमूव हो चुकी है, पैर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, गोरे भी हो गए हैं। अब आप फिनिशिंग टच देंगे, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ निविया की क्रीम। तो अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए पैरों को और अपना फेवरेट नेल पेंट लगा लीजिए। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फीट वाइटनिंग, टैन रिमूवल, पेडिक्योर। ये पेडिक्योर सैलून में कराए गए किसी भी पेडिक्योर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, पैसा कोई खर्च नहीं हुआ है आपका और रिजल्ट्स आपको मिल गए हैं बेहतरीन। तो भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर एंड मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप भी कीजिए, अभी कीजिए ये पेडिक्योर और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ अपनी बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स भी ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो एक अच्छे से वीडियो के साथ, फिर मैं आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।